नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शी। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 6 महीने बढ़ाने को लेकर बिल और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन संशोधन बिल 2019 राज्यसभा में पेश कर दिया है। अभी भी इस मुद्दे को लेकर सदन में चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर राज्य के हालात बिगाड़ने का आरोप लगाया है। राज्यसभा में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का बिल पेश किया। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। गृह मंत्री ने आज कहा, आयोग साल के अंत में चुनाव कराना चाहता है, राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी। शाह ने आज जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 भी राज्यसभा में पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आरक्षण से कठुआ, सांबा और जम्मू के बच्चों को फायदा मिलेगा। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने और आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पास हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का समर्थन किया है। वहीं कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। ये दल जम्मू कश्मीर में तुरंत चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में मौजूदा राष्ट्रपति शासन की अवधि कल से खत्म हो रही है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो विधानसभा के कानून पारित करने के सारे अधिकार संसद के दोनों सदनों में निहित है। इसलिए संसद में ये बिल लाना जरूरी था। मैं इसीलिए ये बिल लेकर आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते थे तो विधानसभा के इलेक्शन क्यों नहीं साथ हो सकते थे? क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं? इसमें आप लोग जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी बातों को ना मानने की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं जिससे कि वहां पे लोग अमन शांति से ना रह सके। कश्मीर और जम्मू को मत बांटिए, देश एक है, उसको एक ही रहने दीजिए। इधर बिहार के मुख्यमंत्री ने आज माना कि राज्य के अस्पतालों में बेड की कमी है। नीतीश कुमार ने ये बात इसीलिए कही क्योंकि राज्य में पिछले महीने 175 बच्चों की मौत हो गई। नीतीश के इस बयान पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इतना ही नहीं, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। 154 बच्चों की मौत के बाद नीतीश कुमार ने माना बिहार के अस्पतालों में बेड की कमी है। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के बयान पर हंगामा और विरोध हुआ। आज सुबह विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। नीतीश कुमार ने कहा, 2014 के पहले से बीमारी और मौत का सिलसिला जारी है। चमकी बुखार की वजह पर जानकारों के बीच अलग अलग राय है। नीतीश ने कहा, बिहार सरकार केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही है, अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। बिहार विधानसभा में आज खूब हंगामा हुआ। राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने चमकी बुखार पर बयान दिया और कहा कि वो कुदरत के आगे लाचार हैं। नीतीश के बयान के बीच में विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की। नीतीश और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस्तीफा मांगा। इसके बारे में रिपोर्ट्स यूएस भी भेज करके वहां से भी कुछ जानकारी ली गई, लेकिन कोई व्यक्ति जो भी एक्सपर्ट थे, डॉक्टर्स थे, जो इलाज करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड लोग थे, लेकिन फिर भी कोई एक मत नहीं था कि आखिर इसका क्या कारण है। 16 दिनों के बाद केंद्रीय मंत्री गए, मंगल पांडे जी भी गए और हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी गए। यूं स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारत सरकार के 2 दिन पहले भी यहां आए हुए थे और 2 दिनों तक पटने में रहे। जैसा आपने काम किया उसमें टारगेट कर रहा है लोग तो बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है, मगर टारगेट कहाँ हो रहे हैं हर्षवर्धन? टारगेट कहाँ हो रही है केंद्र सरकार? टारगेट कहाँ हो रहे हैं मंगल पांडे? टारगेट कहाँ हो रहे हैं सुशील मोदी? टारगेट कहाँ हो रहे हैं बजट पेश करने वाले लोग? टारगेट कहाँ हो रहे हैं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेके कार्यक्रम बनाने वाले लोग? वर्ल्ड कप के मुकाबले में टीम इंडिया इंग्लैंड से मैच के हारी, एक नई चर्चा ही शुरू हो गई है। और हैरानी यहाँ पर इस बात की है कि टीम इंडिया की हार के लिए लोग उसके कमजोर खेल को नहीं बल्कि उसके जर्सी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कल भारत की हार से शुरू हुआ ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीम इंडिया की जर्सी पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर विवाद हो रहा है।
भारत इंग्लैंड क्रिकेट मैच में टीम इंडिया ने केसरिया नीली जर्सी पहनी। कल हुए इस मैच में टीम इंडिया इंग्लैंड से हार गई थी। महबूबा मुफ्ती ने जर्सी के रंग को टीम इंडिया की हार का कारण बताया। शिवसेना ने महबूबा से पूछा, पाकिस्तान की टीम हरी जर्सी पहनकर क्यों हार गई? वहीं बीजेपी ने कहा, महबूबा मुफ्ती जर्सी का रंग पसंद कर दें, टीम को जो चुनना हो चुन लेगी। भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट मैच खत्म हो गया, लेकिन उस पर सियासत जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने टीम इंडिया की हार पर सवाल उठाए, ट्विटर पर लिखा, आप मुझे अंधविश्वासी कह सकते हैं, लेकिन इस जर्सी ने ही वर्ल्ड कप में भारत की जीत के सिलसिले को रोक दिया है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर राजनीतिक महाभारत शुरू हो गया। तमाम दलों ने महबूबा के ट्वीट पर टिप्पणी की। पाकिस्तान ने तो हरे रंग के पहने थे ना, तो क्यों हार गए? ये महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं यहाँ, उसको पागल खाने में भेज देना चाहिए। हमारी टीम सबसे आगे है, यदि उनको रंग से ही कोई एनालिसिस चाहिए, मैं बताऊंगा हमारे हार के वजह से कल भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। भारत की टीम को, वो वैसे ही सेमीफाइनल पहुंच रहे हैं। हमारी कल हार के कारण जिस टीम का शायद उनका समर्थन प्राप्त है रंग के कारण, उस हरा रंग का शायद सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल होने हो रहा है, तो इसलिए मशक्कत उनको ज्यादा करनी पड़ रही है। सो आई डू नॉट सी अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी बीइंग क्रिएटेड ओवर ए जर्सी व्हिच इज फॉर वन ऑफ अवे गेम व्हेन द अदर टीम इज वेयरिंग द सेम कलर्स। उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर मायावती ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। मायावती ने आज योगी सरकार पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। ये बात अलग है कि खुद मायावती और अखिलेश यादव भी इसी तरह की कोशिश कर चुके हैं। मायावती ने यूपी में 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने को धोखा बताया। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा, योगी सरकार का आदेश पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है। मायावती ने आज कहा, 17 जातियां अब न ही ओबीसी आरक्षण का लाभ ले पाएंगी न ही एससी का। इससे पहले मायावती और अखिलेश भी इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने की कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में योगी सरकार ने 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया है। योगी सरकार ने 17 जातियों के परिवारों को नए जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दिया है। यूपी में पिछड़ों के नेता ओम प्रकाश राजभर ने भी सीएम योगी के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राजभर ने लिखा है कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल का शिगुफा छोड़कर सरकार इन 17 जातियों को गुमराह कर रही है। वहीं मायावती ने कहा कि सरकार जानती है कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल सकता है, इसके बावजूद सरकार ने ऐसा फैसला लिया तो क्यों? योगी सरकार का ये आदेश पूरी तरह से गैर कानूनी है और पूर्ण रूप से असंवैधानिक भी है, लेकिन यहाँ सोचने की खास बात यह है कि जब सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि इन 17 जातियों को इस गैर कानूनी आदेश के तहत अनुसूचित जाति का कोई भी लाभ नहीं मिल सकता है, तो फिर इस तरह का ये आदेश क्यों जारी किया गया? मुंबई में लगातार 3 दिन से हो रही बारिश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मौत करंट लगने की वजह से हुई है। हाईटाइड के बाद लोगों को समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई और सबसे अहम बात यह कि अगले 24 से 48 घंटों तक मुंबई में ऐसी ही बारिश होने का आसार है। मुंबई में लगातार बारिश का कहर, कई जगह ट्रैफिक जाम, रेल सेवा भी प्रभावित। मुंबई के दादर, परेल और हिंद माता में भारी बारिश, वसई और विरार में भी अलर्ट। बारिश से आज बांद्रा, वडाला, किंग सर्कल और दादर से सायन के रास्ते में ट्रैफिक जाम रहा। महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी ने उठाया मुंबई में जलभराव का मुद्दा। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से लोकल ट्रेन की सेवा प्रभावित रही, कई ट्रेनें कैंसिल की गई। दादर में बच्चे भी परेशान रहे, बारिश से स्कूल जाने वाले रास्तों पर पानी भर गया। मुंबई में आज हाई टाइड के दौरान समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठी, लोगों को समंदर के पास ना जाने की हिदायत दी गई है। अगले 24 घंटों में भी इसी तरह तेज बारिश का अनुमान है।
आज बच्चों को पानी भरे रास्तों से गुजरकर स्कूल जाना पड़ा। सुबह बारिश की वजह से एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इस हादसे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनों को आज रद्द किया गया और कई ट्रेनों के रूट बदले गए। कई इंटरसिटी ट्रेनें भी रद्द कर दी गईं। पुलिस और रेलवे प्रशासन ने राहत कार्यों में हिस्सा लिया। भारी बारिश के चलते आप देख सकते हैं कि किस हद तक रोडें ब्लॉक हो चुकी हैं, पानी भर चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितना लंबा चौड़ा ट्रैफिक लग चुका है, जिसमें कई तरीके के बसें, स्कूल बसें, टैक्सीज, बाइक्स बंद पड़ चुके हैं। ये बच्चे स्कूल जा रहे थे और इस बारिश के चलते, इस जल जमाव के चलते इनकी वैन बंद पड़ चुकी है और ये स्कूल नहीं जा पा रहे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ ड्राइवर मशक्कत कर रहा है अपनी वैन वापस चालू करने में, ताकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल वापस ले जा सके। अगर ये बारिश इसी तरह चलती रही तो मुंबई करों के लिए खासी दिक्कत हो सकती है। मुंबई के किंग्स सर्कल में कई गाड़ियां पानी में तैरती नजर आईं। आपको मैं गाड़ी एक बार दिखाऊंगा कि किस तरीके से आधी गाड़ी पूरी की पूरी इस वक्त पानी में डूबी हुई है। ये नजारा जितने भी निचले इलाके हैं उन सबका यही नजारा आपको देखने लगेगा। आदमी को देखिए आप, इस वक्त आधा शख्स का आधा बदन इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। निचला इलाका है ये बात, आज ऐसी बात नहीं है, पहली बार बीएमसी को पता चल रही है। हिंदमाता में इस बार पानी उतना ज्यादा नहीं भरा जितना कहा जाता है, लेकिन अभी इस वक्त जो हालात हैं जो किंग सर्कल का आप इलाका देख रहे हैं, जो कि साइन से जुड़ता हुआ इलाका है, वो इस वक्त आप कह सकते हैं जलमग्न है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज सुबह दो बड़े हादसे हुए। किश्तवाड़ में यात्रियों से भरी हुई एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 35 लोगों की जान चली गई। तो वहीं शिमला में भी कुछ ऐसा ही हादसा हुआ, जिससे दो बच्चों समेत तीन की जान चली गई। किश्तवाड़ के हादसे पर मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और हिमाचल प्रदेश के शिमला में बस हादसे। किश्तवाड़ में मिनी बस खाई में गिरने से 35 से ज्यादा लोगों की मौत, कई घायल। आज सुबह करीब 7:30 बजे हुआ हादसा, केशवान से किश्तवाड़ जा रही थी बस। शिमला में स्कूली बस खाई में गिरी, ड्राइवर और दो बच्चों की मौत, कई घायल। शिमला और किश्तवाड़ में ड्राइवर के बस पर नियंत्रण खोने से हुए हादसे। किश्तवाड़ में बस ओवरलोड होने की वजह से सड़क से फिसलकर गहरी खाई में गिर गई। जम्मू से करीब 230 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ के केवासन में ये मिनी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस की मदद की और कई यात्रियों को बस से बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में मारे गए लोगों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मिनी बस थी और केशवान से किश्तवाड़ की ओर आ रही थी और पीछे से सिलगुवाड़ी नाला है, वहाँ पर उसका बैलेंस नहीं कर पड़ा है। ड्राइवर का नीचे नाले में चल रहा है, 100-150 मीटर के अंदर। वहाँ पर मौके के ऊपर 20 डेड बॉडीज थी, बाकी काफी लोगों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। शिमला के स्कूल बस हादसे में दो छात्रों और ड्राइवर की मौत हो गई। 6 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। आज पहले जत्थे ने पवित्र गुफा पहुंचकर भोले बाबा के दर्शन किए। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आज भोलेनाथ की आरती की और ये पवित्र यात्रा 15 अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर पहुंचे श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पवित्र गुफा में सबसे पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने आरती की। आज से लेकर 15 अगस्त को सावन पूर्णिमा के दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। यात्रा के ठीक पहले राज्य के डीजीपी ने सुरक्षा की समीक्षा की। हर साल करीब 1.5 लाख लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया, बम बम भोले का नारा गूंजा। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे लोगों की मुराद पूरी हुई। घाटी में बम बम भोले और हर हर महादेव का नारा गूंजा। अपने को बहुत खुद किस्मत समझते हैं कि मैं पहला जत्था में जा रहा हूं, पहले भोले बाबा का दर्शन करूंगा। हम लोग बहुत उत्साहित हैं इसके लिए।
तो कितनी कैसी व्यवस्था थी यहाँ? व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, क्योंकि सरकार ने हर जगह व्यवस्था पूरे चौक चौबंद की किया हुआ है। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? फर्स्ट क्लास की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर लोग यहाँ व्यवस्थित है। यहाँ के लोग भी हम लोगों को मदद कर रहे हैं और यहाँ लंगर भी बहुत ढंग से चल रहा है। आप पहले जत्थे में जा रहे हैं तो क्या मांगेंगे वहाँ भगवान? सबकी भलाई हो, भोले बाबा जो है सबकी रक्षा करे, सबकी अमन देश में अमन बजाय रखे और सबकी भला हो, इसी मांगेंगे उस। स्थानीय लोगों ने जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत किया। आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए इस बार अभेद सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। सुरक्षा के बहुत ज्यादा कड़े प्रबंध किए गए हैं। जो मैन पावर है उसके अलावा जो इस बार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो निसंदेही पिछली यात्राओं से अलग है। यूएवीज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गली गली पर सीसीटीवीज लगाए गए हैं और इसके अलावा जो ड्रोन है उससे हर पूरे रूट को जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं ये नुनवन का बेस कैंप है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी कैसे तैनात है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं सबके जवान तैनात हैं। करीबन 60,000 जवान जो है दोनों तरफ लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। जमीन से लेकर आसमान तक पुलिस, अर्धसैनिक बल और सेना तैनात है। जो हमारी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, एआरटीज हैं, एसडीआरएफ की टीम्स हैं या हमारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, वो हर जगह पे जो है वो मौजूद हैं और इस बार जो है वो कुछ एडिशनल टीमें भी रखी गई है। और इसके अलावा हमने जो है वो पीडीए, जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि ट्रैक की क्लियरेंस करती है, तो उनकी तरफ से लेबर की डिप्लॉयमेंट जो ट्रैक की क्लियरेंस के लिए है वो डबल कर दी गई है कुछ लोकेशंस पे। लखनऊ के इमामबाड़ो में अब शालीन कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। लखनऊ के डीएम और शिया समुदाय के बीच बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। छोटी स्कर्ट और टॉप या भड़काऊ कपड़े पहनने पर इमामबाड़े में प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। लखनऊ के इमामबाड़े में छोटे कपड़े पहनकर दाखिल होने पर प्रशासन ने रोक लगाई। लखनऊ के इमामबाड़ा घूमने पहुंचे कई लोगों ने फैसले पर नाराजगी जताई। पहले से मिली शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया। इमामबाड़ा ट्रस्ट ने एंट्री को लेकर गाइडलाइन की मांग की थी। अश्लीलता की शिकायत के बाद गरिमामय कपड़ों में ही एंट्री का फैसला लिया गया। इमामबाड़े में ट्राइपॉड और वीडियो कैमरे पर भी पाबंदी लगी। आज लखनऊ के इमामबाड़ा पहुंचे बहुत से लोगों को गेट से ही लौटना पड़ा। वजह सरकार का ताजा फैसला है। अब से यहां छोटे या ठीक से शरीर को न ढकने वाले कपड़ों में एंट्री पर बना ही है। फैसले का विरोध करने वालों का कहना है कि आदेश थोड़ा तार्किक भी होना चाहिए। लखनऊ के डीएम ने शनिवार को मीटिंग बुलाकर के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था कि अगर छोटे इमामबाड़ा में, बड़े इमामबाड़ा में कोई भी घूमने के लिए जाता है तो उसे पूरे प्रॉपर ड्रेस में जाना होगा और साथ ही जो वीडियोग्राफी होती है, जो वीडियो शूटिंग होती है उसके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया था। कुछ हद तक सही है पर एक एज निर्धारित करें। अभी हम गेट पे आ रहे थे, 12 साल की लड़की, उसके लिए मना कर दिया अंदर नहीं जाना, तो ये थोड़ा गलत है। कपड़े बदलने की सोच बदलने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कपड़े छोटे पहनने हैं फिर ऐसा कुछ करना है तो एज के हिसाब से मेंटेन कीजिए ना, कि 18 साल से ऊपर के लोग या फिर 21 साल के ऊपर के जैसे हैं वो लोग अच्छे कपड़े पहन के या फिर कैसे कपड़े पहन के हैं। इस फैसले के लिए प्रशासन से शिकायत की गई थी। गाइडलाइन में कहा गया है कि 2 सदियों से भी ज्यादा पुराने स्मारकों की पवित्रता को ध्यान में रखकर ऐसे कपड़े पहनकर आने होंगे जिसमें शरीर ढका हो। तो यहाँ पे कई बार कंप्लेन की जाती है लोगों के द्वारा कि इसमें कुछ लोग ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो इनडिसेंट होते हैं। विद इन ए वीक हम लोग इसकी गाइडलाइन भी जारी करेंगे और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ साथ थोड़ा सा इस पे लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट भी जुड़े हुए हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए लोग इसको थोड़ा कदर से लें और इसको पार्क की तरह ना फील करते हुए इसको एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे एंटर करें। अल्टीमेटली डीएम साहब ने हमारे उस रिप्रेजेंटेशन में लिखे हुए जितने भी पहलू थे और जितने भी लीगल प्रोविजंस थे उनको फॉलो करते हुए उन्होंने कल एक डिटेल मीटिंग करी और उस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए हम उसका बड़ा स्वागत करते हैं। अमेरिका के टेक्सास में प्लेन क्रैश से 10 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कल टेक्सास के एडिसन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर हुआ है। उस वक्त प्लेन टेक ऑफ कर रहा था जिस वक्त यह हादसा हुआ। अमेरिका के टेक्सास में एक छोटा यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त, 10 लोगों की मौत। डलास से 32 किलोमीटर दूर एडिसन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट पर हुआ हादसा।
रविवार को करीब 9 बजे दुर्घटना का शिकार हुआ यह निजी विमान। ये दो इंजन वाला छोटा बीच क्राफ्ट BE-350 किंग एयर विमान था। स्थानीय मीडिया के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान विमान में एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। टेक ऑफ करते समय विमान बेकाबू होकर हैंगर में घुस गया, जिसके बाद इसमें आग लग गई। आग लगने के बाद ये विमान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि इस प्लेन में कौन कौन लोग सवार थे। आधिकारिक बयान में बताया गया है कि डलास काउंटी मेडिकल एग्जामिनर ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। विमान हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और छानबीन भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हैंगर में कोई और मौजूद नहीं था, वरना मरने वालों की संख्या ज्यादा होती। विमान ने एडिसन से डलास के लिए उड़ान भरी थी। एडिसन से डलास की उड़ान मात्र 15 मिनट की है। और इसी के साथ 5W1H में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी हैं। आप रहिए जी न्यूज़ के साथ।